बापू नंदा चोर वाली आपकी सदा ही जय हो। जय बापू दी। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। गुरु के एक इशारे से भरी है रहमतें लाखों। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों। ये हाँ कह दे, ये हाँ कह दे या ना कह दे, में ही कल्याण होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। वो हर बात दुखदाई है, वो हर बात दुखदाई जो हमने आप मनवाई है। सुख जिस बात में शामिल गुरु का ध्यान होता है। सुख जिस बात में शामिल गुरु का ध्यान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। वो कविता गीत वो भाषण, वो कविता गीत वो भाषण है जिसमें रंग गुरुमत का। वो कविता गीत वो भाषण है जिसमें रंग गुरुमत का। किसी को हो ना हो लेकिन इसे परवान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। न जाने बैठने वाला मगर मल्लाह सब जाने। न जाने बैठने वाला मगर मल्लाह सब जाने। कहाँ पर है किनारा और कहाँ तूफान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। हे बापू हम न भूले, हे बापू हम न भूले गुरु के देख के स्तन को। दिलों को जानने वाला वो जानी जहान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। चल है। वाह जी वाह, बहुत सुंदर रोजी। हाँ जी, जी रोजी जो आपने अभी भजन सुनाया है उसका ना मेरे को मतलब थोड़ा थोड़ा अर्थ समझाना था। जी हम ये मानते हैं ना, जब हमारी श्रद्धा बहुत पक्की होती है तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे गुरुजी ने कह दिया, किसी भी कार्य को अगर हाँ कह दी तो वो हाँ है और अगर ना कह दी तो ना है। ये अगर हम मानने लग जाएं, हम बापूजी को मानते हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में ये होता है कि जो हमारी इच्छा है ना वो पूरी हो। ये जरूरी नहीं है कि उनका हुक्म वही आए जो हम चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े कि जो गुरु जी ने कह दिया, जो उनकी आज्ञा हो गई, वही अगर हम सुन के चल पड़ते हैं
तो वही असल विद्वान है जो उनके मुख से निकली हर बात को माने, वही समझदार है। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों, ये हाँ कह दे या ना कह दे। अब कोई कार्य हम चाहते हैं लेकिन गुरु जी ने ना कह दी, अब हम सोच रहे हैं हम तो ये चाह रहे थे लेकिन उनके मुख से ना निकली है, तो फिर हमें आंखें बंद करके उस बात को मानना है कि ये हाँ कह दे या ना कह दे, क्योंकि उसमें दोनों में ही फिर हमारा कल्याण है। तो यही गुरु के प्रति हमारे श्रद्धा भाव है कि उनके मुख से अगर हम किसी कार्य के लिए पूछते हैं हाँ निकले तो हमारी उसमें हाँ हो, पर वो ना कह रहे हैं तो हमें उस कार्य को बिल्कुल भी नहीं करना है। वो हर बात है दुखदाई जो हमने अपने आप मनवाई। कई बार हम सुनते हैं हाँ कथा प्रसंगों में भी हम सुनते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा से कोई बात मनवा लेते हैं कि नहीं जी ऐसे होना चाहिए, बापू जी ऐसे होना चाहिए, हम चाहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं। कहते हैं वो बात हमें आगे जाके दुख देती है क्योंकि वो हमने अपने जिद से मनवाई है। जैसे हम अपने माँ बाप से जिद करके कोई बात मनवा लेते हैं या किसी वस्तु की डिमांड कर लेते हैं, ऐसे ही अगर हम गुरु के आगे जिद करते हैं कि नहीं हमें तो यही चाहिए, हम कुछ मांगते हैं, तो वो बात हमारे लिए दुखदाई है क्योंकि उनको सब पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। है सुख जिस बात में शामिल गुरु का ध्यान होता है। गुरु को ध्यान होता है कि हमें इनको किस बात के लिए हाँ कहना है, किस बात के लिए ना कहना है, इनको क्या देना है, और उसी बात में वो हमारा सुख है वो जानते हैं। वो कविता गीत हो भाषण जिसमें रंग गुरुमत का, कोई भी हम ऐसी कविता गा रहे हैं, कोई भी हम ऐसा विचार कह रहे हैं, कुछ भी हम बोल रहे हैं जिसमें हम गुरु के बारे में कह रहे हैं, गुरु चर्चा कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभाव है, तो वो किसी को हो ना हो कोई और व्यक्ति, अब जैसे आप हमेशा ही कहते हो कविता भाभी कि हम जो भी गा रहे हैं हमें ये नहीं सोचना कि हम जो गा रहे हैं वो कोई सत्संग में सुन रहा है या नहीं सुन रहा, लेकिन इतना दृढ़ विश्वास सबको हो गया है कि हम सत्संग में जो गा रहे हैं वो बापू हर भगवान जी महाराज जी सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो कविता गीत हो भाषण जिसमें रंग गुरमत का, किसी को हो ना हो कोई या सुने ना सुने किसी पर प्रभाव पड़े या ना पड़े इसे परवान होता है। वो सुनते हैं उनको परवान होती है वो चीज, वो जानी जहान है वो सब जानते हैं। जैसे न जाने बैठने वाला मगर मल्लाह सब जाने, हमें कहीं नदी पार करनी है, हम पहली बार किसी नाविक के पास जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो किधर से हमें नदी पार कराएगा, हम तो केवल बैठ जाते हैं जाके। न जाने बैठने वाला मगर मल्लाह सब जाने, कहाँ पर है किनारा और कहाँ तूफान होता है, कि कहाँ पे उसे आराम से उस नाव को लेके जाना है और कहाँ पे उसे जो है भंवर का सामना करना पड़ेगा नदी सागर लहरों से। तो ये तो वो मल्लाह जानता है, बैठने वाला नहीं जानता जो उसकी सवारी कर रहा है। ऐसे ही प्रभु सब जानते हैं कहाँ पे जीवन हमारा सरल है, कहाँ पे इनको सही रहेगा और कहाँ जिंदगी में मुश्किलें आनी है, तो वो सब जानते हैं। तो लास्ट में ये कहते हैं कि ये बापू हम न भूले गुरु के देख के तन को, दिलों को जानने वाला ये जानी जहान होता है। जब हम साक्षात दर्शन करते हैं अपने गुरु के, साक्षात उनके दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, तो हमें ये महसूस होना चाहिए, हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो हमारे मन की हर बात को जानने वाले हैं और वो जाने जहान हैं, क्योंकि उन्हीं के मुख से निकले हमारे वचन हमारी भलाई के लिए हैं। हमारा इतना दृढ़ विश्वास अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। जय बापू। बहुत सुंदर। और इसको मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दूं, इसका जी प्रमाण मैं साक्षात बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं कि अगर हम ये कहें मैं महाराज जी बापू हर भगवान जी महाराज, ये मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ बात, मैं अगर महाराज जी एने रा मतलब के ए, 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 एने दी मतलब के प्रॉपर्टी भी महाराज देख रही, कहते नहीं हजरी बेचनी आप और वे मतलब उससे भी 2 करोड़, जल्दी ही 2 करोड़ और ज्यादा बढ़ के मतलब के मिल गया उसका प्रॉपर्टी का, क्योंकि महाराज की बात जो मान लें, अगर मुझे मैं कहता नहीं नहीं इतने मिल रहे हैं मतलब इतना फायदा हो रहा है तो मैं कर नहीं, महाराज ने कहा तो मैं बात मान ली तो मुझे 2 करोड़ का उसी वक्त फायदा हो गया बड़ी जल्दी। और जी ये दूसरी बात एक और मैं बताऊं, रिश्तेदार जो हम धक्का करके, ये भी बात आई ना, भी जबरदस्ती आप मना लेते हो कोई बात, आप भी नहीं नहीं मैं तो ये
एक बार ऐसा रिश्तेदारी में हुआ कि उन्होंने, महाराज साहब ने कोई ऐसा जो ना शादी के लिए ऐसा वर दिखाया, ठीक है, कोई ऐसा मैच दिखाया, वर नहीं कहना चाहिए, मैच दिखाया। तो महाराज जी साहब ने, महाराज साहब को तो बड़ा पसंद था, दोनों का आपस में ठीक था। तो महाराज जी साहब ने कहा कि यहाँ ठीक रहेगा, तो लेकिन बच्चा नहीं मानो, मान लो ठीक है, उसकी माता तो मान लेगी, लेकिन बच्चे को, आजकल बच्चे फिर अपने हिसाब से। तो वो महाराज जी ने फिर उनको बोला, उसकी माता को भी, तूने फिर वही करना है जो तेरे को धक्के मारेगी या कुछ। तो लिटरली ऐसा मतलब हुआ बात। तो कई बार ऐसा, इसलिए मैं संतों महंतों को, मुझे ऐसे सरोज जी ने बोला कि ये महाराज जी को कह देते हैं देश प्यार पर पर के लिए, मैंने कहा ना, संतों का अगर उन्होंने जो भी हाथ रख दिया ना, फिर मैं इसको धक्के से करवा दूं, क्योंकि मैं तो फिर मानूंगा ना बात, अगर महाराज जी ने कह दिया अभी यहाँ पे करा तो मैं तो मानूंगा, लेकिन बच्चे अगर नहीं मानते हैं तो मैं भी दुविधा में, और फिर अगर धक्का करूंगा भी तो अच्छा रहेगा तो ठीक, लेकिन बच्चे का नहीं है मन भी, मेरे को ये सुंदर नहीं या कुछ भी। इसलिए अगर संतों की बात नहीं माननी है तो उनसे ये वाली वो वाली गुजारिश मत करो। अगर आप पक्का नहीं मान सकते उस बात को, तो मैंने कहा मुझे पता है महाराज साहब के तो पास कितनी संगत आती भी है, हमारा रिश्ते खराब है हमारा, मैं नहीं कहूंगा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ अमेरिका में रहते, उसको बच्चे को मान लो अगर नहीं बात बने तो फिर मैं वो बात करता ही नहीं हूँ। तो इसलिए या तो महाराज जी से वो बात करो जो आपने माननी हो, जो मर्जी कह दें फिर वो ना। इसलिए ये बड़ी सुंदर, ये आपका ये, और कविता का भी धन्यवाद जिसने कह दिया कि इसको आप एक्सप्लेन करो ये भजन को, बहुत सुंदर भजन आपने रोजी गाया, गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल जो संतों ने कह दिया ना, कोशिश करो, जो बात नहीं मानोगे ना, सारी उम्र बाद में पछतावा लगेगा, अगर एक आधी बात मान लो, मैंने नहीं ख्याल नहीं किया, वो भी महाराज ने कहा वो भी 2 4 दिन और रुक जाए, या मैं शायद ना रुक पाया होगा तो मुझे क्षमा करेंगे, तो लेकिन बात हमेशा दिल में रहती है। तो इसलिए बात सारी माननी चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा मानते थे बात, जो संतों ने कह दिया, चाहे पीछे जो भी नुकसान हो जाए, महाराज जी ने कह दिया, माता जी ने दरबार, लामड़ा साहब जी इनका काल है, उनका बात मान ले, उनको कह दिया, अगर महाराज जी ने कह दिया 2 4 दिन और रुक जाओ, तो फिर ऐसा नहीं है भी पीछे अपना स्वार्थ देख लिया है भी पीछे का, ना ना, संतों की बात मान ली, इसीलिए वो जीवन में एकदम खुश रहे और आनंद में रहे। और हमारे जैसे अगर कोई, मैंने एक आधी बार ऐसा कुछ गलती की हुई तो क्षमा करेंगे, बच्चे हैं गलती तो हो ही जाती है, अभी मैंने ये ना माना हो भी 2 3 दिन और के लिए, तो One इसलिए lady क्षमा just करें। think and she left. One lady तो ये just बात left. ठीक है, I say ओके जी, I'm open तो ये बात है, to तो ये बात है ना। तो इसलिए भाई talk. ये बात है भाई, संतों की बात मानोगे। अब सच, सीधी सीधी बात है, ये एक पंजाबी, हम गांव में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो मतलब वो हमें वो फट्टी, इसको पता क्या तख्ती बोलते हैं हिंदी में, तख्ती होती थी, उसके ऊपर वो ना शुरू शुरू में पेंसिल के साथ, उसको बोलते हैं पूरने, वो पेंसिल जैसे आजकल भी जो ड्राइंग्स बनी होती हैं, डॉटेड डॉटेड होती है बच्चों के लिए, वो आपका कलर कर दो, ऊपर ऊपर करना है ना, सिंपल बात, ऊपर ऊपर चलना है। तो संतों ने ये पूरने पा दिए हमारे लिए ना, पूरने है, पूरने पा दिए, पेंसिल से लिख दिया, उसके ऊपर ऊपर चलना है, सिंपल आपने कलर करना है जीवन को, अपने जीवन का रंग भरना है। तो कितना कबीर साहब है, नानक जी हैं, बापू शारदा राम है, बापू हरभुआन है, उनके रास्ते पे चलते रहेंगे, ये मैं तो कहता हूँ सिंपलेस्ट पासी वाला है, हमें तो कोई इतनी जरूरत ही नहीं है कोई मेहनत करने की, लेकिन चलना है बड़ा मुश्किल है ना। वो कहते हैं खंडे जी की पार है, जिस रास्ते, वो इतने ईमानदारी और इतनी पवित्रता के रास्ते पे जो चलते हैं संत लोग, वो उस पे अगर चले जाए ना, रास्ता दिखा दिया उन्होंने, सिंपल है, प्रभु से प्रेम करोगे तो जीवन में हर एक मतलब सुख मिलेगा, यहाँ पे भी वहां पे भी, लेकिन मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल सही, अगर उनकी बात मान ली तो बात बन जाएगी, धक्के से अगर अपनी बात मनवा ली, उनकी बात नहीं मानी, परेशान होने का, सिंपल है बात, टेंशन आपने लेनी है तो संतों की बात मत मानो। ओके जी, जय बापू दी, करो हाँ। थैंक यू उसकी आपका बहुत बहुत करो जी, संगीता जी बहुत लगा सुंदर
भैया बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। एक और ये जो अपने जीवन का कोई भी अगर हो तो आप और मेरे ख्याल से शेयर करना चाहिए। उसमें क्या होता है, प्रमाण हो जाता है, एक प्रमाण हो जी जाता है भी हाँ बिल्कुल ये जो बात कही है इस भजन में तो इसका प्रमाण ये है। अगर आपके मन में आता हो और बताने लायक हो बात तो बता देनी चाहिए, फिक्र नहीं करना चाहिए, ताकि दूसरों को और बिल्कुल दृढ़ हो जाए जी बात भी, हाँ भी ये बात भी ऐसा ही करो भाई, प्रभु की मानो, गुरु के वचनों पे चलो, ये सारे भजन तो गाते हैं बिल्कुल लेकिन सही, कितने उसमें साथ में प्रमाण हो उदाहरण जाता है। भरे सिर्फ हुए हैं। हाँ सिर्फ जिद भजन जिद नहीं रहता का है। फिर नतीजा नहीं रहता ना, जिद का फिर वो सही रिजल्ट नहीं मिलता। हम जिद करके बापूजी से कोई चीज मांग ले, परमात्मा से मांग भी ले, पर उसका रिजल्ट फिर खुद ही भुगतना भी पड़ता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। संत लोग तो ये भी कहते हैं कि धक्के से ना आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, मुझे दो जी आशीर्वाद, ये वो अपने आप संत देते हैं। लेकिन बिल्कुल मैंने तो खैर वो भी किया हुआ है। मैं भजन गाते गाते भजन गाते गाते कभी महाराज जी कभी का जो स्वार्थ आ जाता है, महाराज जी का हाथ अपने सर पे रखवा लेता था मैं तो मैंने तो वो वो तो भी किया स्वार्थ हुआ। है। तो वो संत लोग तो कहते हैं भी अपने आप जो आशीर्वाद दे तो वो यार धक्के से आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। मैंने सुना एक संत, वो मुझे अपनी बात याद आ गई। मैं तो भजन गाते गाते महाराज जी आ गए, जब तक सर पे वो हाथ नहीं प्रेम की रखते बात थे, है, जब तक वो सर पे हाथ प्रेम की नहीं रखते बात थे है मैं ना भैया। उठाता नहीं था किसी बहाने सर पे हाथ रखा वो प्रेम की बात है, उसमें कोई ये लालच अगर चलो आए तो फिर वो तो अच्छे के लिए लालच है ना, कि बापूजी का थैंक प्यार मिले, वो तो यू। अच्छे के लिए है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू।